लास्ट टाइम गाइज हमारी क्लास सेकंड में यार बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो गई थी यार हम लोग बस ऐसे ही मजे ले रहे थे क्लास के अंदर और फिर बाहर ऐसे ही भाई थोड़ा टहलने के लिए क्लास को बंक करने के लिए गए थे और हमें बहुत ही तगड़ी पनिशमेंट मिली और वो पनिशमेंट थी गाइज योगा एक्सरसाइज वगैरह करना जिसमें भाई हमारी योगा टीचर ने लिटरली में हमारी ऐसी बैंड बजाई कि पिछले तीन दिनों से हम लोग स्कूल की छुट्टी करके बैठे हुए हैं येस गाइज और इसी वजह से गैज स्कूल के भाई आगे की वीडियोस नहीं आ पाई थी इतने दिनों से भाई तीन दिन से हम लोग छुट्टी करके लिटरली में जो बैठे हुए हैं बट अभी एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैसेज आया गायज़ मेरे स्कूल की तरफ से और वो लिट्रली में डराने वाला मैसेज है आ, मैं बताता हूँ क्या है मैसेज ये आया गैज कि कल हमारे स्कूल के अंदर पेपर है येस भाई एग्ज़ाम भी आ गया यार अभी हम लोग लिटरली में सिर्फ हम लोगों ने एक दिन स्कूल का अटेंड किया है और एग्जाम आ चुके हैं हमारे स्कूल के अंदर और हम लोग सीरियसली में बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन में इस वक्त क्योंकि एक तो वैसे ही योगा टीचर ने भाई उस दिन इतनी एक्सरसाइजेस करवाई इतनी एक्सरसाइजेस करवाई कि भाई हमारी शरीर की हड्डियाँ काँप गई भाई हालत ख़राब हो गई थी इसी वजह से तो तीन दिन से हम लोग भाई ज़्यादा हिले डुले नहीं है मस्त घर पर ही बैठ के आराम किया है और अब जाके थोड़ी बॉडी जो है रिलैक्स हो पाई है और कल भाई एग्जाम है बताओ अरे हाँ यार क्या कर रहे हो तुम जाके पढ़ो क्या पढ़ू भाई मेरे को तो यही नहीं पता हमारी सेकंड क्लास में सब्जेक्ट क्या क्या है अरे यार वही तो वो तो मेरे को भी नहीं पता यार यार क्या करना है भाई मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा भाई एग्जाम में क्या लिखने वाला हूँ कल मैं भाई साहब यार कल एक बात बता तू क्या पूछ रहा है अब ये पेपर कहाँ पे है पेपर हाँ देखोगाइस जब हम लोगों ने यार मेरी फर्स्ट क्लास का एग्जाम दिया था तुम लोगों ने देखा ही था भाई वो वाला वीडियो तो वो जो एग्जाम था उसी स्कूल में था सेम स्कूल में जहाँ पर मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाई की थी बट ये जो सेकंड क्लास वाला एग्जाम है यहाँ से सीरियस होने लग जाती है सिचुएशन क्योंकि सेकंड क्लास का जो एग्ज़ाम है वो सेम स्कूल में नहीं होता है उस एग्ज़ाम का एक सेंटर दिया जाता है और वहाँ पर फिर एग्ज़ाम होता है मैं तुम लोगों को थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ देखो जब हम लोगों ने फर्स्ट क्लास कम्प्लीट की थी तो फर्स्ट क्लास का एग्ज़ाम हम लोगों ने कहाँ दिया था उसी स्कूल में जहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट क्लास की पढ़ाई की थी लेकिन सेकेंड क्लास का एग्ज़ाम होने वाला है किसी दूसरे स्कूल में जहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट क्लास की पढ़ाई की थी अरे यार यार कंफ्यूज कर रहे हो तुम तो अब सीरियसली मैं तुम लोगों ने मेरे को कंफ्यूज कर दिया पिंचन अरे यार तुम खुद ही नहीं पा रहे रहे क्या कहना चाह हो देख मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने फर्स्ट क्लास जहाँ से पढ़ाई की थी सेम स्कूल में ही हम लोगों ने पेपर दिया अरे हाँ यार लेकिन अब हम लोग सेकेंड क्लास में आ चुके हैं और सेकेंड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये रूल है की उनका एग्जाम होगा तो उसी स्कूल में नहीं होगा उनका एग्जाम होगा किसी दूसरे स्कूल में किसी दूसरी जगह पे अरे तो वो दूसरी जगह कौन सी है यार जहाँ पर हमारा एग्जाम होने वाला है वो दूसरी जगह है वो वाला स्कूल, जहां पर हम ने बाकी और स्टूडेंट्स का किसी दूसरे दूसरे स्कूल के अंदर स्कूल के पेपर है यार तो बहुत ज्यादा गलत बात है वही तो भाई उस स्कूल के अंदर लिटरली में हम लोग किसी को भी नहीं जानते हैं तो चीटिंग करने की तो मैं सोच भी नहीं सकता यार कल तो गलत बात है भाई वही तो यार सीरियसली में हम लोग लिटरली में वहां पर अकेले होंगे नहीं मतलब हम चार ही नहीं होंगे एग्जाम देने तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आए होंगे बट सेम स्कूल के हम चार ही बंदे होंगे और बाकी स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट स्कूल के होंगे यार मतलब वो हेल्प भी नहीं करेंगे बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगे यार सब कुछ हमें खुद ही करना पड़ेगा और सबसे ज्यादा दिक्कत की बात बताऊ क्या है ये कल एग्जाम है इस बात का मैसेज मुझे अभी मिला है और एग्जाम लिटरली में कल है और हम लोगों में से किसी ने भी कुछ भी नहीं पढ़ा है अरे पढ़ा कहाँ से होगा एक ही दिन तो ही स्कूल गए थे उसी दिन इतने पंगे हो गए भाई टीचर ने पकड़ लिया प्रिंसिपल ने पकड़ लिया ऊपर से योगा टीचर ने पकड़ लिया दुनिया भर की एक्सरसाइजेस करवाई हड्डियाँ तोड़ दी हमारी और बताओ अगले दिन पेपर यार कल है मैं तो चला पढ़ने के लिए हैं क्या पढ़ेगा तू कुछ तो पढ़ ही लूंगा अरे यार मैं नहीं पढ़ रहा यार और नहीं मैं पढ़ रहा हूँ यार तुम दोनों नहीं पढ़ने वाले तुम दोनों नहीं पढ़ रहे तो मैं भी नहीं पढ़ रहा भाई तो ठीक है फिर मैं भी नहीं पढ़ रहा छोड़ो भाई देखेंगे जो होगा देखा जाएगा गैस, कल एग्जाम में। में की टेंशन कल ही लूंगा मैं तो चला सोने के लिए गुड नाइट एवरी वन गुड नाइट अरे मैं तो नहीं पढ़ूंगा यार मैं भी चला सोने के लिए जो होगा कल देखा जाएगा ठीक है भाई पिंजन मैं तो झूठ बोल के आ गया यार मैं तो जा रहा हूँ अभी पढ़ने के लिए आज पूरी रात जग के पढ़ाई करूंगा और कल एग्जाम में टॉप करूंगा यार, लेट्स गो पढ़ाई करते हैं अरे मैं भी नहीं पढ़ रहा यार मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए जा भाई शिंचन जा हाँ यार मेरे को बहुत ज्यादा तेज नींद आ रही है कल एग्जाम में देखेंगे जो होगा देखा जाएगा अरे यार मैं तो नहीं सो रहा मैं तो जा रहा हूँ पढ़ने के लिए अभी बुक्स लेकर जाता हूँ छत पे पढ़ाई करने के लिए इन तीनों से मैंने झूठ बोल दिया ताकि इनमें से कोई भी ना पढ़े और मैं जा रहा हूँ पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक वाली पढ़ाई करके कल एग्जाम में तो मैं ही टॉप करूँगा मैं ही टॉप करूंगा भाई ये तीनों तो मजे से सो रहे होंगे और एग्जाम में टॉप करूंगा सिर्फ अकेला मैं मजे आ गए भाई अभी अभी पढ़ाई करता हूँ अबे यार बहुत तेज प्यास लगी है पानी नहीं है क्या बगल में नहीं यार पानी नहीं है बहुत ही ज्यादा तेज प्यास लगी एक तो कल एग्जाम है गए इस टेंशन में मुझे और ज्यादा नींद आ रही है सीरियसली में भाई लेकिन शिंचन, पिंचन, किसी में भी कोई भी नहीं पड़ रहा है तो मैं अभी नहीं पढ़ रहा भाई मैं तो पानी पी के चला मस्त एकदम सोने के लिए पानी ऊपर होगा किचन में लेकर आते हैं फटाफट से चलो बहुत तेज प्यास लग जाती है भाई आधी रात को कभी भी कभी भी लिटरली में प्यास लग जाती है फटाफट से फ्रिज की तरफ चलते हैं वेट ये पिंचन तो बोल रहा था कि हम लोग सोने जा रहे हैं ये कर क्या रहा है जगके वेट, वेट 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 कितने बज रहे हैं रात के रात के डेढ़ बज रहे हैं भाई ये पिंचन का बच्चा तो जगा हुआ है कर क्या रहा है लैपटॉप खोल पढ़ाई कर रहा है ये अरे यार टू का टेबल याद हो गया चलो थ्री के टेबल की तरफ बढ़ते हैं भाई साहब टू का टेबल थ्री का टेबल क्या क्या याद कर रहा है ये अबे ऐसा कुछ तो पढ़ाया भी नहीं था फर्स्ट डे के स्कूल में कर रहे हैं ये बंदे पिंचन पड़ रहा है सिंचन और चौप का है वो भी नजर नहीं आ रहे चौप तो नीचे होगा चौप तो सो रहा होगा पक्का हाँ हाँ वो चौप के बस की है कुछ है। वो तो पक्का गाय सो रहा होगा लिटरली मैं अभी चेक करता हूँ ये पिंचन कितना बाज निकला भाई कह रहा कि मैं जा रहा हूँ सोने और रात को जग के पड़ रहा है भाई चौप तो पक्का डेफिनेटली सो नहीं रहा वो वो भी बुक्स खोल के पढ़ रहा है यार मजे से चौप भाई तेरे से ये उम्मीद नहीं थी वो देखो गैस कितनी सारी बुक्स का ढेर लगा रखा उसने अरे चॉप इतना नालायक निकलेगा तू कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैंने वो देखो गाइस कितनी सारी बुक्स हैं क्या करके मानेगा ये चॉप का बच्चा पिंचन पढ़ रहा है चॉप पढ़ रहा है आई गेस सिंचैन तो सो ही रहा होगा है कहाँ लेकिन कहाँ सो रहा है ये पता नहीं भाई कहाँ पर सो रहा है ये वेट जरा छत पे चलते हैं इधर तो कहीं दिखा नहीं इधर तो पिंचन ही बस पड़ रहा है अकेले ही पिंचन बाहर होगा शायद नहीं है भाई छत पे छत पे भी ओ तेरी भाई ये भी टैबलेट लेके बैठा हुआ है और पढ़ रहा है उससे अरे यार चलो सारे फ्रूट्स तो याद हो गए मेरे को पूरे 200 फ्रूट्स के नेम याद कर लिए मैंने 200 फ्रूट्स के नाम याद कर लिए इसने अरे यार ये या बंदे कितने ज्यादा लिटरली में धोखेबाज निकले सारे के सारे मेरे से कह रहे हैं कि हम लोग नहीं पढ़ने वाले हम लोग तो चले सोने के लिए लेकिन अकेले सारे कोने में जग, जग के पढ़ रहे हैं भाई साहब और मेरे को पता है इन तीनों ने आपस में भी मतलब चौप ने छिनचैन पिंचन से छचन ने चौप और पिनचैन से आपस में भी इन लोगों ने यही कहा होगा कि हम तो जा रहे हैं सोने के लिए और सारे पढ़ रहे हैं मेरे को पता चल गया इनका प्लान क्या है इनका प्लान ये है गाइज़ कि सारे बंदे सो जाएं और ये अकेले पढ़ के टॉप करना चाह रहे हैं कल के एग्ज़ाम में लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगा गैज़ क्योंकि मेरी भी नींद बिल्कुल सही टाइम पर खुल चुकी है डेढ़ बजे ही मैं भी चला पढ़ने के लिए लाल इधर से जाऊंगा तो ये चौक का बच्चा देख लेगा मेरे को मैं भी अब छुप के पढ़ूंगा भाई तुम लोगों से हैं भाई ज्यादा चालाक बन रहे हो तुम लोग मेरे सामने यहाँ से अभी बुक्स लेके जाता हूँ और मैं भी चला गया इस पढ़ने के लिए एट्स को, लेकिन पढ़ूँ क्या यार मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा है पता नहीं ये लोग पढ़ क्या रहे हैं ये तो टेबल याद कर रहा है वो फ्रूट्स याद कर रहा है पेपर किस चीज़ का है यही नहीं पता हम लोगों को तो मैं से जाएगा बस कल एग्जाम है छोड़ो भाई मैं मैं चला सोने के लिए मैं लिटरली मैं जा रहा हूँ सोने या कुछ ले ही लेता हूँ कुछ तो याद कर ही लूँगा मैं थोड़ा बहुत जग जग के कुछ ज़्यादा बुक्स नहीं लेके आ गया यार मैं यार मैं कूली का काम क्यों कर रहा हूँ एक किताब लेके बस वही पढ़ लेनी चाहिए थी इतनी सारी किताबें ऊपर से लेके आ गया पढ़ी मैंने एक भी खोल के नहीं है अबे यार एक काम कर दो सारी बुक्स वापस ऊपर रख के आ जाता हूँ अबे लेकिन फिर इसमें और टाइम जाएगा कोई बात नहीं मैं सारी बुक्स रख के आ जाता हूँ इनमें से कौन सी का कवर बढ़िया लग रहा है ये ये ब्लू वाली का कवर बढ़िया लग रहा है इसको पढ़ लेते हैं कुछ तो समझ आ ही जाएगा लेट्स लेट्स गो गो गुड मॉर्निंग गाइज अबे मैं कहाँ सो गया हूँ भाई पढ़ते पढ़ते हाँ सुबह हो चुकी है और आज आज यार एग्ज़ाम है भाई जिस दिन एग्ज़ाम होता है ना अगर आता है सब कुछ फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है फिर तो एकदम मज़े में मन करता है एग्ज़ाम देने जाने के लिए बट जब तुम्हें पता है ख़ुद कि भाई कुछ नहीं आता है आज के एग्ज़ाम में तब हालत ख़राब हो जाती है ऐसी हालत मेरी है भाई आ, मेरे को यही नहीं पता एग्ज़ाम कि चीज़ का जब वहाँ जाऊँगा तब जाके पता चलेगा कि ओ इस चीज़ का एग्ज़ाम है खैर जो भी हो गुड मॉर्निंग करते हैं फटाफट से चॉप को देखते हैं पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है अरे मैंने तो कल रात को बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की यार क्या भाई साहब यार पढ़ाई तो मैंने भी नहीं की मैं तो मस्त सोता रह गया अरे पढ़ाई तो मैंने भी नहीं करी लेकिन फिर भी नींद आ रही है यार थोड़ी थोड़ी मेरे को टेंशन भाई तुझे नींद क्यों आ रही है तूने तो पढ़ाई नहीं की नहीं मतलब यार फिर भी वो पता नहीं थोड़ी बहुत टेंशन के मारे यार नींद नहीं आ रही थी इसलिए इसलिए क्या तूने पढ़ाई की नहीं नहीं मतलब मैं सो गया यार और आधा अधूरा सोया मैं इसलिए थोड़ी सुबह को नींद आ रही है यार ओ तो तुम तीनों में से किसी ने भी पढ़ाई नहीं की है भाई अरे नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं की भाई साहब कल मैं तो जैसे ही तू यहाँ से गया वैसे ही घोड़े बेच के सो गया था तीनों की तीनों कितने झूठे हैं भाई सीरियसली मैं कितने झूठे तीनों पढ़ रहे थे अलग अलग जगह पे और यहाँ पर बातें कर रहे हैं की बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की सही है बेटा बहुत सही है अरे कहा गए यार तुम मैं कहीं नहीं गया मैं यही पर हूँ भाई अगर पढ़ाई नहीं की तो पेपर में लिखेंगे क्या भाई भाई यार कलुआ देखेंगे भाई पेपर में जो होगा देखा जाएगा फिलहाल तो हमारी स्कूल बस कब आएगी आ जाएगी भाई स्कूल बस हमें हमारे एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचाने के लिए देखो गैस एग्ज़ाम जो है हमारा वो नौ बजे से स्टार्ट है और बस आएगी आठ बजे अभी फ़िलहाल साढ़े छः के लगभग बज रहे हैं अपने पास डेढ़ घंटा है सवा घंटा है क्या करूं मैं इसमें पढ़ाई कर लूँ क्या थोड़ी क्या कल आया छोड़ भाई कुछ नहीं होगा वहाँ पे जाके देखेंगे ठीक है ठीक है चलो गैस कपड़े वपड़े पहनते हैं भाई स्कूल के लिए रेडी होते हैं फटाफट जब तक बस वाला आता है ओके okay गैस कपड़े वपड़े पहन के मैं फुल रेडी हो चुका हूँ एग्ज़ाम देने जाने के लिए और एज़ यू नो इन तीनों ने तो रात भर जग के पढ़ाई की बट मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया है यार इसलिए मैं सोच रहा हूँ संग में अपने फ़ोन लेके जाता हूँ और अगर मौका मिला ज़रूरी नहीं है कि मैं कोशिश करूँगा फ़ोन से कुछ टीपने की बट अगर मौका मिला तो मैं डेफिनेटली चीटिंग uh, नहीं करूंगा मैं चीटिंग करने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हूं बट अगर मौका मिल गया तो मौका छोड़ने वालों में से भी नहीं हूं तो डेफिनेटली कोशिश करूंगा मिल गया मौका तो वरना देखते हैं क्या होता है आई एम रेडी भाई कितनी जल्दी रेडी हो गया यार छः चालीस पे गया था छह चालीस पे तैयार हो आ गया एक मिनट भी नहीं लगा मैंने रेडी होने में वाह पूरे एक घंटे बीत चुके हैं और सिर्फ और सिर्फ बीस मिनट बाकी है बस के आने में बस आएगी हम लोग बस के अंदर बैठेंगे सिंपली एग्जाम सेंटर पे पहुंचेंगे शिनचैन पिंचन और चौ। क्या पहुँचेंगे हम लोग आजू बाजू ही बैठ जाएं तो अगर तुम में से किसी को भी कुछ भी आता हो तो बता देना भाई अरे बिल्कुल बता दूंगा यार मैं अरे मैं अरे भी बिल्कुल बताने की कोशिश करूंगा यार टेंशन मतलब भाई मेरे को जितना आ रहा होगा मैं उतना तो तेरा पेपर करवा दूंगा भाई थैंक यू यार चौप तेर से बस भरोसा है मेरे को बाकी वेट करता हूँ मैं बस का लेट्स गो वैसे पेपर किस पे होगा पेपर पे मतलब एग्ज़ाम किस पे होगा पेपर पेन से या फिर किसी और चीज़ से क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास का एग्ज़ाम दिया था उसमें तो लैपटॉप से हुआ था यहाँ पता नहीं भाई हाँ पता चल जाएगा स्कूल जाएंगे तो वेट करते हैं बस का अरे यार कौन सी जगह थी हाँ यही यही वाली जगह है इसी इसी गली में से चार स्टूडेंट्स पिक करने हैं मुझे चलो फटाफट टाइम पे हूँ मैं बिल्कुल भी लेट नहीं हूँ कौन सा घर घर अरे हाँ हाँ हमारा ही घर है हमारा ही अच्छा तो तुम्हारे एग्जाम है आज हाँ, हाँ एग्जाम है एग्जाम है तुम तो एक ही हो बाकी तीन का है आ रहे वो भी आ रहे हैं आप जरा रोको बस को ये लो रोक दी मैंने बस फटाफट फट लेकिन आओ स्टूडेंट्स लेट हो रहे हैं हम लोग ऑलरेडी यस सर मतलब लेकर आया भाई लेकर आया मैं बाकी को लेकर आया जस्ट अभी लेकर आता हूँ वो क्या कर रहे हो बे बस आ गई है अरे क्या है बात कर रहे हो यार रहा हाँ चलो चलो आ जाओ आ जाओ फटाफट आ जाओ बाहर चलो चलो आ जाओ आ जाओ फटाफट से आ जाओ बैठना शुरू करो बैठना शुरू करो फटाफट वैसे पिछले तीन दिनों से मैं यहाँ पर नहीं आया मेरे को मना कर दिया गया था क्या हो गया था वो एक्चुअली में हम लोगों ने तीन दिनों की सिक लीव ली थी लेकिन वो क्यों एमरजेंसी थी इसीलिए अच्छा अच्छा कोई बात नहीं बैठो 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 अरे बेटा तुम भी बैठो अरे बैठ रहा हूँ बैठ रहा हूँ टेंशन हो रही है थोड़ी ही हाँ एग्जाम के दिन तो टेंशन होती है चलो टेंशन मतलब बढ़िया हो जाएगा एग्जाम अरे भाई तू भी बैठ डॉगी मैं चौप नाम है मेरा चलो स्टूडेंट्स बैठ सब अरे हाँ हाँ चलो चलो ओके अरे भैया जल्दी चलाओ भाई जल्दी से हमें पहुँचना है स्कूल आज एग्जाम है वैसी टेंशन हो रही है अरे एग्जाम के दिन टेंशन मत किया करो भाई चीटिंग किया करो मस्त अरे हम लोग चीटिंग करने वालों में से नहीं है हम लोगों ने रात भर जग के पढ़ाई की है क्या है भाई क्या बोला तूने नहीं नहीं मतलब कई दिन रात जग के हम लोगों ने पहले पढ़ाई की है पहले पढ़ाई तूने की है अरे मतलब पढ़ाई करेंगे तो पास तो हो ही जाएंगे तो तूने पढ़ाई की है अरे मैंने कहा किया है यार तूने तो बोला क्यों भी अभी अरे मैंने तो ऐसे ही बोल दिया है हर। जो मैं बोलता हूँ वही असली थोड़ी ना होता है अच्छा ठीक है चल चल फटाफट से चल दो ओके okay, पहुंचने वाले हैं गायस और दिल की धड़कने बहुत ही ज्यादा तेज होती हुई क्योंकि स्कूल हम लोग पहुंचने वाले हैं मन नहीं कर रहा आज बिल्कुल भी स्कूल जाने का और ये गायस हमारा एग्जाम सेंटर है वही वाला स्कूल है पहचान लिया होगा तुम लोगों ने तो अभी तक जहाँ पर हम लोगों ने अपनी फर्स्ट क्लास कम्पलीट की थी वही हमारा एग्जाम सेंटर है सेकेंड क्लास का अभी फिलहाल आ चुके हैं रोक दो भैया बस को रोक दो बहुत ही बढ़िया चलो चलो आ जाओ आ जाओ फटाफट से आ जाओ आ, डर लग रहा है ऑल द बेस्ट तो बोल दो भाई ऑल द बेस्ट बात कल चल भाई चलो चलो ओके तो चलते हैं गैस ये वही वाला स्कूल है भाई पुरानी यादें ताज़ा हो गई तुम लोगों ने अगर क्लास फर्स्ट की सीरीज नहीं देखी है तो गैज डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से तुम लोग पूरी सीरीज देख सकते हो क्लास वन की फिलहाल ये हमारा क्लास टू चल रहा है और हम लोग अभी एग्जाम देने के लिए आए टॉपर कौन था भाई कल्या भूल गया मेरे को हाँ क्लास फर्स्ट में चौप के सबसे ज्यादा नंबर आए थे पूरी क्लास में भाई मजा आती थी भाई चौप ने एकदम सरप्राइज कर दिया था भाई सबको इसने पता नहीं बीस में से उन्नीस ऐसे कुछ नंबर आए थे तुम लोगों ने अगर वो एपिसोड नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लेंगे है वहां से तुम लोग सीरीज के सारे एपिसोड देख सकते हो फिलहाल यहाँ से एंट्री है आपे जल्दी जल्दी आओ भाई हम लोग ऑलरेडी लेट है काफी ज्यादा अरे कहाँ लेट है यार टाइम टाइम तो देखो टाइम। अरे तुम वैसे मोबाइल तो लाए नहीं होगे घड़ी में देखो ना अच्छा घड़ी में देखता हूँ घड़ी भी नहीं लाया मैं अरे तो फिर किस से पूछे गार्ड से पूछते हैं हेलो गार्ड भाई टाइम क्या हो रहा है टाइम पेपर शुरू होने में पाँच मिनट कम है अच्छा पाँच मिनट ओके थैंक यू जा सकते हम लोग रुको रुको फ्रैंकलिन क्लिंटन ओके जा सकते हो आगे शिनचैन और ये चौप नाम का कहाँ है चौप भाई क्या कर रहा है वहाँ पर आना अंदर वह बया वो भाई चौप नाम वाला टॉकी अरे भाई जानते नहीं हो कैसे नहीं मैं नहीं जानता अच्छा हाँ हम लोग इस स्कूल में कहाँ आते हैं भाई अरे ये भी पढ़ता है आजा भाई जल्दी एग्जाम शुरू होने वाले ओके okay, क्लास के अंदर आ चुका हूँ मैं ओके okay, कहाँ पर जाना है वो लिटरली में भाई पाँच मिनट से भी कम का टाइम है नौ बजे एग्जाम शुरू होने वाला है उधर घड़ी में देखो नौ बजने में और दो तीन मिनट रह गए सिर्फ हेलो फ्रैंकलिन नाम है हाँ फ्रैंकलिन ओके बाकी तीन आ रहे होंगे वो पीछे फ्रैंकलिन नाम है तुम्हारा हाँ मेरा फ्रैंकलिन नाम है अरे यार कितनी जगह चेकिंग हो रही है भाई कौन सी क्लास है सर पीछे वाली

यार पे शांति से चार सीट खाली है बैठो जल्दी बैठ बैठ रहा हूँ सर बैठ रहा हूँ सर एग्जाम कब शुरू होगा बस और दो मिनट है उसके बाद लैपटॉप पे है भाई मैं कह नहीं रहा था पिछली बार भी लैपटॉप पे हुआ था इस बार भी यहीं पे है आगे वाला आगे वाला तो वैसे अनपढ़ गवार सा लग रहा है कोई और है पढ़ा लिखा हमारे आजू बाजू ये वाला बंदा थोड़ा पढ़ा लिखा सा लग रहा है ये वाला पता नहीं भाई शक्ल से थोड़ना पता चलता है कौन पढ़ा लिखा है आ, वेट करते हैं कहाँ रहेगा भाई अरे चलो यार मैं भी आ गया अरे हेलो सर हेलो मेरा नाम सिंह 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 नाम है मेरा कहाँ जाना है पीछे थैंक यू थैंक यू चलो सिंचन म्यान सर अंदर आके पूछ रहे हो मैं म्या सॉरी सर जाओ पीछे बैठ जाओ अरे फैमिया कैसे हो यार अबे चुप बैठ जा भाई शांति से बैठ जा अरे पिंचन भी आ गया यार चौंपका रह गया यार मैं भाई जाने दे यार मैं सच में स्टूडेंट ही हूँ अरे यार जाओ सर मत खाओ मेरा आई कम इन सर अरे ये डॉगी कहा से क्लास में घुस गया मैं डॉगी नहीं हूँ मैं भी स्टूडेंट हूँ भाई कहा बैठू मैं क्या हो रहा है ये आजकल ये है क्या मेरी सीट बैठ जाओ बैठ जाओ जहा जगह मिल रही है बैठ जाओ हेलो सर ये पेपर कब शुरू होगा शांति से बैठ जाओ अपनी सीट पे अरे डांट खा के बैठ गए चुपचाप अबे यार मैंने तो पेपर कब शुरू होगा यही पूछा था सिर्फ तो स्टूडेंट्स पेपर आपका शुरू होने वाला है फोर, थ्री, टू, वन। और जैसे कि बेल बज चुकी है तो आपका पेपर अब आप शुरू हो चुका है पेपर का नाम शुरू कर सकते हैं ओके गाइस पेपर शुरू हो चुका है और ये क्या है फ्रूट्स यार तो कर देगा उसने दो पता नहीं कितने फ्रूट्स के नाम याद किए थे लेकिन फ्रूट्स के नाम थोड़े ना लिखने अभी ये तो ये तो क्विज है भाई फाइंड द बिगेस्ट वन सबसे बड़ा वाला इनमें से कौन सा है ये है एक एप्पल ये है एक वाटरमेलन एक स्ट्रॉबेरी ये है एक बनाना आई गेस सबसे बड़ा तो इसमें वॉटर मेलन ही होता है बट मुझे लग रहा है यहाँ पर पूछा ये जा रहा है कि स्क्रीन पे सबसे बड़ा कौन सा है तो आई गेस एप्पल हमसे ये लोग टिक लगवाना चाह रहे हैं बट मैं लगाऊंगा गैस वाटरमेलन इन सब में सबसे बड़ा तो वाटरमेलन ही है यस चलो ये हो गया यहाँ पर कितनी बत्तख है कितनी है भाई यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस तो नहीं होंगी थोड़ी एक आध इसके पीछे भी छुपी होंगी भाई डेफिनेटली इतना सिंपल क्वेश्चन गिनती वाला तो ये लोग देंगे नहीं भाई या फिर दस ही है लिटरली में पता नहीं भाई दस ही दिख रही है मेरे को हेलो ओ एक सेकेंड ये डक थोड़ी ना है ये तो कोई और सब पक्षी है हाँ भाई साहब मिक्स कर दिया इसको भी डक के अंदर ये कोई और सी चिड़िया भाई नौ है पर ओके हु इज़ द वन इनमें से सबसे ऊंचा कौन सा है देखो भाई अगर बात की जाए जानवरों की तो सबसे ऊंचा तो इसमें से जिराफ या एलिफेंट इन्हीं दोनों में से कोई हम लोग टिक कर सकते हैं बट नहीं जिराफ ही होगा एलिफेंट से तो ऊंचा ही होता है जिराफ बट यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि ऊपर हम लोगों को दिख रहा है एक सूरज इसका मतलब वही करेक्ट आंसर है चलो भाई पता नहीं बिंजन कैसा कर रहे होंगे मैं तो भाई बढ़िया कर रहा हूँ एकदम मैंने तो सही किया भाई पढ़ाई नहीं की ज्यादा ओके तो यहाँ पर पता लगाना था कौन सा इनमें से अलग है ये वाला अलग है और कोई सा अलग है नहीं यही वाला अलग है भाई साहब क्या खतरनाक खेल रहा हूँ मैं विच क्लॉ इज सिमिलर टू कैट्स आउट स्ट्रेस्ड क्लॉ मतलब इस वाले क्लॉ की तरह कौन सा इसमें से पंजा है इस वाले पंजे की तरह तो अ कौन सा है इनमें से अगर देखा जाए तो इस वाले पंजे की तरह ये दोनों ही सेम ही हैं बट बट मोस्टली ये मैच एक सेकेंड ये होगा ना भाई राइट हैंड और लेफ्ट हैंड सिमिलर ही होता है तो आई गेस ये वाला पंजा बराबर होगा यस पता नहीं भाई सिंचन कैसा कर रहा है भाई सिंचैन कैसा कर रहा है तू अरे यार थोड़े कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन है यार, पहले का क्या किया तुमने भाई मैं तो कुछ, तो कुछ कर हाँ तो ही नहीं पा रहा तो सारे आंसर आ रहे है भाई लेकिन इनको बताऊंगा नहीं भाई मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहे यार पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा मैंने क्या बात कर रहे हो यार तुम तो फेल हो जाओगे ऐसे हो जाने तो भाई क्या ही कर सकता हूँ मैं मैं तो लिटरली फेल होने वाला हूँ अब भाई साहब यार कुछ आ रहा है नहीं भाई मैंने बुक में से पढ़ाई नहीं की तो, बै? तो बुक में से तो मैं, मैंने भी पढ़ाई नहीं की है अरे है, तुम्हें कुछ आ रहा है यार भाई पिंचन तेरी तरह रात भर जग के मैंने लैपटॉप में से थोड़ी ना पढ़ाई की है अरे यार मैंने कौन सी किया लैपटॉप में से सही बात है और शिनचन तेरी तरह भाई मैंने टैबलेट में से 200 फ्रूट्स के नाम थोड़ी ना याद किए हैं अरे तुम्हें कैसे पता है यार ये सब हुआ है आ, पता नहीं तुम लोगों ने ऐसा कुछ किया है क्या नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है यार मैं तो बस ऐसे ही तुक्के लगा रहा था यार सिक्स क्वेश्चन आता है या तुम में से किसी को नहीं नहीं यार मेरे को तो कुछ नहीं आता सच में ही मेरे को तो कुछ नहीं पता है यार चल रहा है इसमें से कौन सा करूँ मैं फाइंड आउट द लार्जेस्ट फायर कौन है इसमें से आग पता नहीं अब ये कौन सा है पिछला वाला तो छोड़ दिया ये भी ढंग से समझ में नहीं आ रहा है यार अरे पिछला भी छोड़ दिया ये भी छोड़ दूँ क्या कुछ भी ढंग से नहीं आ रहा है उल्लू को कैसे जगाऊ मैं अरे उल्लू तो रात को जागता है एक सेकंड सूरज छुपा दो शायद वो जग जाएगा उल्लू अरे मुझे तो यही लग रहा है ओए जग गया चलो एक क्वेश्चन तो किया मैंने भाई पिंचन यार तू कैसा कर रहा है अरे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है मेरा भी सर के ऊपर से जा रहा है सब कुछ मैं तुम लोग तो फिर भी एक आध क्वेश्चन कर तक एक भी नहीं हुआ भाई सारे पंद्रह मैंने शुरुआत अटेम्प्ट किए पंद्रह के पंद्रह छोड़ दिए कितने क्वेश्चन है यार टोटल पचास क्वेश्चन है इस बार भाई साहब कल पचास हो भी जाएंगे मेरे को तो नहीं लगता भाई मैं तो सारे ही छोड़ रहा हूँ सारे ही कोई भी नहीं कर रहा मैं ओके इन लोगों से झूठ बोल दे बोल दे गाइस मैं लिटरली मैं टेंथ क्वेश्चन पे पर पहुँचूंगा और अभी तक एक क्वेश्चन भी मुझे नहीं लगता है मैंने गलत किया है और ना ही मैंने कोई क्वेश्चन स्किप किया है इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम लोग खा नहीं सकते वो है इसका घोसला वाह भाई इसमें से कौन सी है जो नकली आइसक्रीम है और वो कैसे पता चलेगा जब हम लोग सूरज बीच में लेकर आएंगे और असली आइसक्रीम पिघल जाएगी और नकली वाली रह जाएगी हाँ ये भी डन इसमें से बताना है सबसे डार्केस्ट कलर कौन सा है कौन सा है ब्लैक था इसके कितने बाल हैं ओके इसके तो रियल बाल सिर्फ तीन है भाई हाँ हाँ कर दिया ये भी तेजी के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ इस बत्ते को पानी पिलाना है सर मेरा हो गया क्या अभी पांच मिनट है एग्जाम खत्म होने में अभी दस नहीं बजे सर मेरा हो गया अरे तुम तो कह रहे तो कुछ नहीं आता हाँ भाई मैंने सारे क्वेश्चन छोड़ दिए एक आदि किए हैं बस भाई कल वो एक ही बता दे यार मेरे को तो वो भी नहीं आ रहा अब वो भी पता नहीं गलत है कि सही है सर मेरा पेपर ले लो मेरा हो गया ठीक है तुम सबमिट बटन क्लिक कर दो हो जाएगा सब कुछ यार बहुत ही बेकार गया पेपर अरे सच में है बिल्कुल तुमने तो तीन मिनट पहले ही कर दिया क्या करूँ सर कुछ आता ही नहीं था लेट्स गो गाइज मैंने भाई पचास के पचास क्वेश्चंस कर डाले हैं मुझे नहीं लगता ये सिंजन मिंजन और चौप में से किसी ने भी ढंग के कुछ किए होंगे डेफिनेटली इसमें मैं ही तबाही मचाने वाला हूँ पता नहीं भाई जो भी हो ये रिजल्ट तो आएगा गायज नेक्स्ट वाले एपिसोड में ही बाकी नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए तुम लोग फटाफट से जाकर वीडियो को लाइक कर दो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो गए और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर लो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अभी तक तुम लोगों ने कमेंट में नेक्स्ट पार्ट नहीं लिखा है तो फटाफट से नेक्स्ट पार्ट लिख दो क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में रिजल्ट आने वाला है रिजल्ट तो तुम लोग जानते ही हो मैं खतरनाक परफॉर्म करने वाला हूँ लेकिन इन छिंचन पिंचन और चौब का भरोसा नहीं भाई रात पर झकके कैसे इन लोगों ने झूठ बोला है मेरे से कि हम लोगों ने तो पढ़ाई ही नहीं की और रात भर झकके पढ़ाई की है क्या पता वैसे ही झूठ बोल रहे हो कि हम लोगों ने एग्जाम में कुछ किया ही नहीं और तबाही मचा रखी हो एग्जाम में ये तो पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में ही बाकी अगर तुम तो लोगों ने क्लास वन की सीरीज नहीं देखी है तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो क्लास सेकंड की सीरीज देखना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में तब तक लेगा इज गुड बाय